आप सभी रेल अभ्यर्थियों को नमस्कार। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने रेलवे जॉब के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने वाले हैं। पिछले वर्ष रेलवे ने बहुत भारी संख्या में 1,54,000 यूथ को एम्प्लॉय किया है दिसंबर 2023 तक, और जिन्हें पदस्थापित कर दिया गया है या आवश्यकता अनुसार उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है, उन सभी का समायोजन कर लिया गया है। और आज के डेट में रेलवे मैन पावर ऑप्टिमम लेवल पे है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि और आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से रेल का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से क्वांटम ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, और चूंकि एक ये स्टाफ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, और हर वर्ष उसी पैमाने पे लोग रिटायर भी करते हैं, इसलिए हर वर्ष हर कैटेगरी में, खास तौर से सेफ्टी कैटेगरी में, तो उसमें तो हम वैकेंसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनको भरना ही होता है। अभी सभी अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि अब कैलेंडर बना के हर साल वैकेंसीज को हम नोटिफाई करेंगे, हर वर्ष नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखेंगे बिना गैप के। जैसी जैसी वैकेंसीज होगी, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, तो उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। ऐसे ही अभी जनवरी के महीने में ALP का नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें 5,696 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकला है, और जो जनवरी में नोटिफिकेशन हुआ है उसमें हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, और दिसंबर में हम ALP का 5,696 लोगों का पैनल दे दें। और जैसे ही पैनल वो समाप्त हो, चूँकि ये वैकेंसीज अराइज होती जाती है, तो अगले वर्ष के लिए भी हम कैलेंडर जारी कर दें। इतना ही नहीं, जैसा कि स्टूडेंट्स का भी, जो हमारे यूथ हैं, उनका डिमांड था कि और भी वैकेंसीज कब आ रही हैं, कब आएंगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने, अभी हम लोगों ने इसको नोटिस में भी दे दिया है कि टेक्नीशियन कैटेगरीज में जिसमें 9,000 वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट अनुमानित वैकेंसीज हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है कि 9,000 वैकेंसीज को फरवरी के महीने में 2024 में नोटिफाई करेंगे, और एक साल में, यानी कि अगले साल फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक नेक्स्ट साइकिल में हम नोटिफाई करेंगे, ताकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को टाइम बाउंड मैनर में हम इसको कंप्लीट कर पाएँ, संपन्न कर पाएँ। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है एज रिलैक्सेशन दे करके। कोविड के टाइम में, जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 साल तक परीक्षाएं करना संभव नहीं हो सकी थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए थे, तो उनको सम्मिलित करने के लिए, उनको भी अवसर प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय ने 3 साल का, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, जो कि जिससे हमारे कैंडिडेट्स जो वंचित रह गए थे, जो चूक गए थे एग्ज़ाम देने से, अपीयर हो पाएंगे आगामी होने वाले एग्ज़ाम्स में, तो एक बड़ा उनके लिए भी अवसर होगा। और इस संदर्भ में मैं कुछ और बातें ही बताना चाहूँगा अपने अभ्यर्थियों को कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म फिलअप करने से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, वहीं से, वो भी पार्ट है एग्ज़ाम देने का। तो बहुत से अभ्यर्थी बाद में बड़े हताश हो जाते हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों का अनुभव ये है विगत रिक्रूटमेंट्स में, कि बहुत से 5% के करीब ऐसे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं जिनमें प्रॉपर ढंग से सिग्नेचर नहीं किया गया है या प्रॉपर ढंग से फ़ोटो नहीं लगाया गया है। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनका और जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, उसमें उनका सर्टिफिकेट भी ठीक है, जो भी एज के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ढंग से सिग्नेचर नहीं किया है या प्रॉपर फ़ोटो नहीं लगाया है, उसकी वजह से ये कंप्यूटराइज्ड वे में वेरिफिकेशन होता है, स्क्रूटनी होती है, तो रिजेक्ट हो जाता है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं सिग्नेचर के नाम पे, या बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं लेकिन डिसजॉइंटेड लेटर्स होते हैं, तो ऐसे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर करना है जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से रनिंग राइटिंग में करना है। ऐसे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं जिनका रिजोल्यूशन सही नहीं होता, रिजोल्यूशन सही होना चाहिए, ख़राब रिजोल्यूशन होने पे, स्पष्ट नहीं होने पे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो फुल बॉडी का अपना फोटोग्राफ दे देते हैं,
या बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो सेल्फी दे देते हैं, और ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रुप में फोटोग्राफ्स दे देते हैं। वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी और जेन्युइनिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। हमारी तरफ से अपील यही है कि फॉर्म भरते वक्त आप बहुत अलर्ट रहें, बहुत ध्यान से भरें, ताकि ये जो सुनहरा अवसर आपको मिला है उससे आप वंचित न रह जाएं। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, इन सब बातों को सभी RRBs ने अपने वेबसाइट पे दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है, तो हम सभी प्रतिबद्ध हैं। जो भी हम लोगों ने कैलेंडर दिया है, जो भी शेड्यूल दिया है, उसको हम लोग उस लक्ष्य को उसी शेड्यूल के हिसाब से जितना रिक्रूटमेंट है उसको हम कंप्लीट करें। और अब आपकी बारी है कि आप जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से तैयारी करें। अब आप जी जान से लग जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, रेलवे की तरफ से, RRBs की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।